नानपारा बाईपास मार्ग स्थित समाजवादी पार्टी के एम कार्यालय पर विधानसभा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार पंडित सिंह, विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री वंशीधर बौद्ध, कार्यक्रम के संयोजक पूर्व प्रत्याशी नानपारा जयकर सिंह, कार्यक्रम का संचालन तनवीर आलम ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंडित सिंह ने कहा कि पार्टी के सभी बूथ प्रभारी व पार्टी कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी जमीनी स्तर के कार्यक्रम में जुट जाएं, ताकि देश में और प्रदेश में हम सरकार ला सके। और साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आज प्रदेश और देश में किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, हर वर्ग परेशान है। मोदी सरकार ने नौजवानों से 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन हर तरह से वे विफल रहे। प्रदेश में विकास ठप है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि 2019 में चुनाव में भाजपा को हटाने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जिला महासचिव जाफर गुप्ता बंटी, पूर्व जिला अध्यक्ष राम हर्ष यादव, जयंकर सिंह, महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव शाहिस्ता परवीन और काफी सारे लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह पूर्व मंत्री हूँ, आपके बगल जिले गोंडा का रहने वाला हूँ और यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन था नानपारा विधानसभा क्षेत्र का बूथ स्तरीय। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जो है ये बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चलाया जा रहा है। उसी में उसके अगुवा जयशंकर तो जयकर भाई हमारे थे और जिला अध्यक्ष लक्ष्मी यादव जी, सब लोगों के साथ मैं यहाँ आया हूँ। और जो है ये जो मोदी और योगी की सरकार है, 4.5 साल की योगी की सरकार और 1.5 साल की मोदी की सरकार, 4.5 साल योगी की सरकार, उसी को जो है ख़त्म करना है। इस नाते हम लोग गांव-गांव दौड़ रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं का। बहराइच से ये थी प्रकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।